दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा लाइफ के विंड 4S के साथ मिले ईयरफोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं इस ईयरफोन से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ, इतना ज्यादा मैं इससे सेटिस्फाइड हूं कि मैं इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। आप समझ लीजिए कि एक फोन के साथ मिले ईयरफोन्स का मैं एक वीडियो बना रहा हूं, तो इस ईयरफोन की क्या क्वालिटी होगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और मैं आपको ईयरफोन के जैक से लेके ईयरबड्स तक हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये ईयरफोन कितना अच्छा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा। जी हाँ दोस्तों, रिव्यू दूंगा लाइफ के फोन के साथ मिले इन ईयरफोन्स का। जी हाँ दोस्तों, ये ईयरफोन्स मुझे बहुत बहुत पसंद आए हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं ईयरफोन्स का बहुत ज्यादा बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, पर मैं करीब करीब 3-4 साल से सैमसंग के ईयरफोन्स, फिलिप्स के ईयरफोन्स, यूबॉन के ईयरफोन्स, JBL के ईयरफोन्स सबको इस्तेमाल किया हूँ। पर दोस्तों उन सब में जो मुझे क्वालिटी मिली थी वो काफी इंप्रेसिव तो थी, काफी क्लियर तो थी, पर इसकी जो क्वालिटी है, जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्री मिला प्रोडक्ट है जो आपको एक स्मार्टफोन के साथ मिलता है, वैसा फ्री प्रोडक्ट है। और वो सारे जो ईयरफोन्स थे वो आपको अलग परचेस करना पड़ता था करीब करीब 300 से लेकर 700 रुपए के बीच में, पर ये आपको फ्री मिला है फोन के साथ, उन सबसे टक्कर देने लायक है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए मैं आपको इसका डिटेल में एक ओवरव्यू देता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके 3.5 mm के जैक से। यहाँ पर ये देखिए जो रिंग्स हैं ये व्हाइट कलर की दिया गया है, तो इसका जो लुक है ये काफी अच्छा बना देता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको TRRS टाइप ये 3.5 mm जैक मिलता है जो कि आपके स्मार्टफोन के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल है, प्लस आपकी ये कई लैपटॉप और कंप्यूटर में भी बहुत ही अच्छे से चलेंगे। और यहाँ पर ये जो बॉडी है ये हाउसिंग है इसका, ये भी अल्मोनियम बॉडी है और इसका जो सिल्वर कलर है ये भी काफी प्यारा लग रहा है। दोस्तों आप देखते होंगे कि आपके जो ईयरफोन्स हैं वो ऐसी ही जगहों से बेंड होते हैं, ऐसी ही जगहों से यहाँ से डिफेक्टेड हो जाते हैं, पर यहाँ पर चूंकि इसमें ये देखिए एक और प्लेट दी गई है रबड़ की, तो ये जो ऐसे डिफेक्ट आते हैं इसको ये प्रिवेंट करेगा। दोस्तों ये जो आपको वायर मिलती है ये टैंगल फ्री टाइप वायर है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई उलझन नहीं आएगी और आपको इसके साथ निपटना नहीं पड़ेगा जैसा कि आपको कई सारे ईयरफोन के साथ निपटना पड़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, और यहाँ पर ये स्प्लिटर है जो कि कुछ हद तक सैमसंग के ईयरफोन से प्रेरित है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें दूसरे ईयरफोन से उनकी खूबी कॉपी करके ली गई है, तो जब कई सारी चीजों से इसने खूबी कॉपी की है तो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है फाइनल वो बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर आपको करीब करीब इतना लेंथ वाला स्प्लिटिंग एरिया मिल जाता है। और इसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इसका ये जो माइक्रोफोन का प्लेसमेंट है, यहाँ दोस्तों जब आप इसको कान में लगा लेते हैं तो ये जो माइक्रोफोन है वो सीधा सीधा आपके मुंह के सामने रहता है, तो आपको कोई क्लिपिंग की जरूरत नहीं जैसा कि आपको बहुत सारे ईयरफोन के साथ करना पड़ता है, उसको अपने कान में लपेटने की जरूरत नहीं, अपने फेस के चारों ओर बांधने की जरूरत नहीं, ये सिंपली आपके फेस के सामने ही रहता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो माइक क्वालिटी है वो कुछ इस तरह है, और इसमें आपको जो बटन मिलता है वो कोई दिख नहीं सकता, वो बटन है पर आप जब इसको प्रेस करते हैं तो वो बटन का काम करता है, और नॉर्मली आप सारे फंक्शन कर सकते हैं गाना सुनने वक्त इस बटन से। और यहाँ पर ये माइक देखिए, आप माइक का होल देख सकते हैं। और दोस्तों मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो इसके ईयरबड्स। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो हाउसिंग है वो तो प्लास्टिक से ही है जो इसको काफी हल्का बनाता है, और यहाँ पर देखेंगे लाइफ की ब्रांडिंग दी है ये है। दोस्तों इसके जो ईयर पीसेस हैं वो पूरी तरह से एप्पल के ईयरपॉड से कॉपी किए गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, और आप भी बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है। दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी इम्प्रेसिव है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो स्पीकर ग्रिल्स दिए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। पहला तो हमें साउंड देता है और जो दूसरा है वो नॉइस कंपनसेशन के लिए है जो कि नॉइस कैंसिलेशन करता है और बाहर की आवाज को रोकने की कोशिश करता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि एक फ्री मिले ईयरफोन में आपको ये खूबी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी ड्यूरेबल और अच्छी लगती है मुझको, और ये काफी अपीलिंग ईयरफोन्स हैं, तो बहुत ही मजा आ गया मतलब ये ईयरफोन्स को देख के। मैं जरूर से आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखाता, पर वो डिपेंड करता है कि मेरा माइक्रोफोन कैसा है और वो साउंड आपको सुनाई देगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप साउंड क्वालिटी को पूरी तरह जज नहीं कर पाएंगे। मेरे जो ह्यूमन ईयर है वो जज कर रहे हैं इसके साउंड क्वालिटी को, और वाकई में काफी क्लियर है। इसका जो बेस है वो भी काफी हाई है, टेरेबल भी काफी ज्यादा, मतलब एकदम अपीलिंग ईयरफोन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे काफी मजा आ गया। डिसेंट कहना इसका अपमान होगा, जरूर से मैं इसके लिए कहूंगा कि ये एक प्रीमियम टाइप ईयरफोन्स हैं, और इसको कोई परचेस लिंक नहीं मिलेगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, पर जरूर से कभी आपको मौका मिले लाइफ के ईयरफोन्स को पसंद करने का या फिर ग्रैब करने का, तो
जरूर से इसको आप ग्रैब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही लाइव कभी किसी को स्पॉन्सर किया है, तो आप ये ना सोचिएगा कि मैंने कोई इसका स्पॉन्सरशिप लेके इतनी तारीफ कर रहा हूं इसकी। वाकई में ये जो टैंगल फ्री ईयरफोन्स हैं वो काफी ज्यादा पसंद आए मुझको, इसीलिए मैं एक फ्री मिले ईयरफोन की एक अलग से रिव्यू वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है ये ईयरफोन्स के साथ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ और जानना या बताना हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिए। तो फिर मैं चलता हूँ, बाय।